आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे हैं। जय हिंद सभी को। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है इस बार यूपीएससी सीएसई 2023 में। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। सेकंड अटेम्प्ट में मेरी 236 रैंक आई थी जिससे मेरे को आईपीएस अलॉट हुआ था। उसके बाद ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैं मूलतः लखनऊ का निवासी हूँ। वहीं पर मेरा जन्म भी हुआ और मेरा पालन पोषण भी वहीं पर हुआ। मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग भी वहीं से की है, CMS अलीगंज सेक्टर ओ ब्रांच से। और उसके बाद मैंने IIT कानपुर से BTech MTech डुअल डिग्री हासिल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने कॉरपोरेट में लगभग 15 महीने काम किया और उसके बाद मैंने अपनी UPSC की जर्नी शुरू की थी। तो मैं जब 2020 के अक्टूबर में अपनी नौकरी से रिज़ाइन दे करके अपने घर आया तो उस टाइम कोविड भी चल रहा था। तो मैंने एक वो भी रीज़न था और बाकी मेरे सीनियर्स ने भी रिकमेंड किया था कि कोचिंग से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है अगर आप एकदम ज़ीरो से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन अपने घर पर रहते हुए सेल्फ स्टडी के माध्यम से की थी। और इसमें मैंने कई प्रकार के ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया था, जैसे कि अलग अलग कोचिंग्स के जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं या फिर कुछ खास कोचिंग्स हैं जो कि डेली अपने क्वेश्चंस देती हैं कि ये 10 क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं या ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो मैंने शुरू में अपने पहले अटेम्प्ट में उन पे भी थोड़ा सा फोकस किया था। तो ये मेरे माध्यम थे इनिशियली प्रिपरेशन करने के। तो इस अपनी ऑनलाइन जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो पहला स्टेज था वो प्रीलिम्स का था। तो लगभग मेरे पास उस साल ऐसा शुरू में लग रहा था कि कम टाइम है मेरे पास प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उस टाइम तो ये नहीं पता था कि कोविड के कारण जो डेट है 2021 के प्रीलिम्स की वो आगे बढ़ जाएगी। तो मैंने अपने जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो स्टैंडर्ड बुक्स बताई थी सारे अपने टॉपर्स ने, उन सबको हैंडल करते हुए और प्रयास किया कि जितने ज़्यादा हो सके उस साल की मॉक्स लगाए जाएँ और साथ में अपने कोर्स को भी पूरा किया जाए। तो मैंने उस साल तो बहुत मॉक्स लगाए थे, आई थिंक 35-40 मॉक्स लगाए थे मैंने, इंक्लूडिंग कुछ प्रोमिनेंट कोचिंग्स के जैसे कि विजन, और 2-3 और अलग कोचिंग्स के भी मैंने 1-2 पेपर्स लगाए थे बस एक डाइवर्सिटी रखने के लिए। और फिर मैं जाकर के अपने प्रीलिम्स में बैठ गया था। बट उस साल मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया कुछ कारणवश, जो कि कारण मैं आपके साथ डिस्कस भी करना चाहूँगा। तो उसमें पहली मेरी दिक्कत मेरे को यही महसूस हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की तरफ फोकस कर रहा था और स्मार्ट वर्क की तरफ मेरा कोई फोकस नहीं था। मैंने सब्जेक्ट अपने सारे पढ़े, उनको बहुत डिटेल में पढ़ा, अंडरलाइन कर करके पढ़ा, लेकिन जो मैंने मेन चीज़ मिस कर दी वो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो UPSC में मैंने ये सीखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको ढंग से एनालाइज करना, नॉट जस्ट कि क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आ रहे हैं या कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, बल्कि ये भी एनालाइज करना कि जो स्टेटमेंट्स फ्रेम हो रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा, तो वहां पर आपको यह देखना जरूरी है कि स्टेटमेंट जो फ्रेम हो रहे हैं वो किस प्रकार से UPSC गलत स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है या किस प्रकार से UPSC सही स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है। जैसे एक ह्यूरिस्टिक चलता था पहले कि ओनली जिसमें लगा हुआ है वो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अब ये काम नहीं करता। जो मैंने 2022 और 2023 के अटेम्प्ट दिए उसमें ये उतना फ्रीक्वेंटली काम नहीं करता। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट का एसेंस समझ में आना चाहिए और कुछ बेसिक ह्यूरिस्टिक्स आपको देखने पड़ेंगे पिछले 3 साल के पेपर्स को ढंग से एनालाइज करके। तो जैसे मैंने पाया था कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जनरली UPSC गलत देता है। मैंने जितने भी जगह पर लिखा हुआ था कि दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे ही स्टेटमेंट गलत थे। तो इस तरह के जो ह्यूरिस्टिक्स हैं वो आपको खुद ही पिछले 3 साल के पेपर देख करके और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके अलावा बाकी जो 7 साल बच गए पिछले 10 साल के पेपर्स में, उनको भी आपको ढंग से सॉल्व करना है, क्योंकि इवन क्वेश्चंस रिपीट होते हुए भी मैंने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में और रिपीट नहीं भी होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस में ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस पे बेस्ड अगली बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम मॉक्स एंड जो आपका बेसिक प्रिपरेशन है बुक्स वाला, उसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मेरे अनुसार कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी बराबर का ध्यान दें, खासकर आखिरी के 2 महीनों में।
तो इसके अलावा मैं प्रीलिम्स में ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि मेरी एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रहती थी। तो मेरी स्ट्रेटजी जनरली ये रहती थी कि मैं 3 अटेम्प्ट में अपने पेपर को कंप्लीट करूँ। पहले प्रयास में मेरा ये रहता था कि मैं जितने क्वेश्चंस मेरे को श्योर शॉट पता हैं वो मैं मार्क कर लूँ और उनके OMR में गोले भी भर लूँ। उसके बाद साथ ही साथ पहले अटेम्प्ट में मेरा ये भी प्रयास रहता था कि जिन क्वेश्चन से मेरे को श्योर है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही ही होगा या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत ही होगा, उनको भी मैं मार्क करके और अपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लूँ। कि मान लीजिए 4 ऑप्शन थे, मैंने कोई स्टेटमेंट बोला कि ये स्टेटमेंट मेरे अनुसार पक्का ही गलत है अपने ह्यूरिस्टिक से या अपने नॉलेज के बेसिस पे, तो मैं उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेता था अपने क्वेश्चन पेपर में ही। एंड नाउ आई एम रिड्यूस्ड टू जस्ट 2 ऑप्शंस मे बी। तो अब मैं छोड़ देता था कि इन 2 ऑप्शंस पे मैं अगले अटेम्प्ट में डिसीजन लूंगा। फिर इस तरह से मेरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता था, अंदाजन 1 घंटे में या 1.25 घंटे में ये राउंड कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद अगले राउंड में फिर से 1.5 घंटे मैं दूंगा, और अब मैं जिनमें 2 ऑप्शन तक पहुंच चुका था वहां पर मैं ट्राई करूंगा कि मैं अब इनके आंसर्स तक आ जाऊं, क्योंकि अब यहाँ पर 50% प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी के लॉ के अनुसार यहाँ पर आप कुछ भी मारेंगे +2 और -0.66 वाले क्वेश्चंस जिस तरह की मार्किंग होती है आपका नेट पॉजिटिव ही जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी से। तो इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो करता ही था, कुछ इंस्टिंक्ट से आ रहा हो तो वेल एंड गुड, वरना मैं रैंडमली उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मार के आऊँगा। और फिर 3rd राउंड में मेरा ये प्रयास रहता था कि अब मैं देखूँ कि मेरे टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हैं। मैं जनरली ये तो रहता था कि वहाँ पर जाकर के डिसाइड करूँ बेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर कि कितना टफ या इजी है, बट एक ये रहता था कि हाँ 90 के आसपास मेरे को क्वेश्चंस करने हैं, +-2 तक चल जाएगा, उससे ज़्यादा मैं डिवियंस लेना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी एक्यूरेसी इसी के आसपास है कि मैं इतने करूँगा तभी मैं सिलेक्शन करा पाऊँगा अपना। तो 3rd राउंड में मेरा प्रयास ही रहेगा कि अब मैं देखूँ मेरे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी जो मेरा डिफरेंस बच रहा है वो मैं पूरा करूं ताकि मैं अपने उस रेंज में पहुंच जाऊं जहां पर मैं कंफर्टेबल फील करूंगा इस प्रीलिम्स में। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर मेरे को 3 ऑप्शंस में डाउट होगा, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर चारों ही ऑप्शन मेरे को नहीं पता होंगे। तो जहां चारों ही नहीं पता है वहां पर तो बिल्कुल ही छोड़ देना उसको, मेरे अनुसार सही है। और जहां 3 में आपको डाउट है वहां पर भी अब आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप उस पर्टिकुलर रेंज में नहीं पहुंचे हैं जहां पर आप कंफर्टेबल हों या जहां पर आप चाहे कि मैं यहाँ पर अपना पेपर स्टॉप करना चाहता हूँ। तो फिर मैं उन 3 ऑप्शंस में से कुछ इंस्टिंक्ट से या फिर कुछ ह्यूरिस्टिक से या फिर रैंडम तुक्के से मैं ट्राई करूँगा कि इन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर लूँ ताकि मैं उस रेंज में पहुँच जाऊँ जहाँ पर मेरा सेफ जोन है। इसमें मैं ये भी आप लोग को ऐड करना चाहूँगा कि मेरे को जब पहले अटेम्प्ट में मैंने खासकर 2023 का पेपर जो कि हाईली अनप्रिडिक्टेबल टाइप का पेपर था, तो इसमें जब मैं पहले राउंड में अटेम्प्ट कर रहा था 30 क्वेश्चन भी मैं नहीं कह सकता कि मेरे को श्योर शॉट पता था कि मेरे सही होंगे। तो फिर लेकिन ये एक जरूर फायदा हुआ था अपने नॉलेज और ह्यूरिस्टिक्स के बेसिस पे, खासकर जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ऑब्जर्व करना है स्टेटमेंट कैसे फ्रेम कर रहा है UPSC, उनके बेसिस पे ये जरूर हो गया था कि हाँ एटलीस्ट 60 क्वेश्चन टाइप मेरे हो गए थे, 60 या 70 टाइप, जिनमें मैं श्योर था कि हाँ इन दोनों ऑप्शंस में ही से ही आंसर होना चाहिए। तो वो एक मेरे पास एडेड एडवांटेज आ गया था 1st राउंड खत्म होते होते कि मेरे को श्योर शॉट वाले तो बहुत कम पता थे लेकिन आंसर इन दोनों में से ही कुछ होना चाहिए, इस लेवल तक मैं काफ़ी क्लोज आ गया था एटलीस्ट 60-70 क्वेश्चंस में। तो अब फिर जब मैं 3rd राउंड में अपने 2nd राउंड और 3rd राउंड में गया तो मेरे पास काम कंपैरेटिवली आसान था, ऑल्दो उन दोनों में से चूज कर पाना तब भी मुश्किल था। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि ब्रॉडली चाहे मेरी रैंक कुछ भी आई हो बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मेरी नॉलेज बेस जो कि आई वुड स्टिल से कि लिमिटेड नॉलेज बेस थी, उसके बेसिस पर पेपर सॉल्व करते टाइम हर किसी को दिक्कत होती ही है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहता है और आप किस तरह से उन 2 घंटे में अंडर प्रेशर परफॉर्म कर पाते हैं वही मोस्टली डिसाइड करता है कि प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये तो रही GS की बात। इसके साथ मैं CSAT के बारे में कहना चाहूँगा कि मेरी भी जैसे धारणा हमेशा से ही बनी हुई थी कि मैथ्स के बेसिस पे मैं CSAT करके आऊँगा, तो पहले 2 अटेम्प्ट में तो मेरे 150 प्लस स्कोर आ जाता था CSAT में सिर्फ मैथ्स के बेसिस पे, बट इस बार मैथ्स इतना टिपिकल आया था क्योंकि कंसिडरिंग इट वॉज मोर टूवर्ड्स परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन साइड एज वेल, तो इसलिए मेरे को अपनी स्ट्रेटजी ऑन द स्पॉट थोड़ी चेंज करनी पड़ी। मैंने मैथ्स के तो जितने अटेम्प्ट कर सकता था किए, साथ में मैंने इस बार इंग्लिश पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था, तो ओवरऑल आई थिंक मेरा स्कोर रिड्यूस हुआ होगा, बट स्टिल इंग्लिश और मैथ्स मिला करके आई वॉज कंफर्टेबल कि CSAT तो मेरा हो जाना चाहिए। GS में ही मेन मेरे को फोकस करने का लगता था अपना।
जी, तो इसके अलावा मैं प्रीलिम्स रिलेटेड दो पॉइंट्स और टच करना चाहूँगा। पहला है कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स का कोई पर्टिकुलर एंड नहीं है। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था करंट अफेयर्स पे, फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अपना फोकस थोड़ा कम किया क्योंकि मेरे को दिख रहा था स्टैटिक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जो नॉलेज बेस के साथ ह्यूरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और फिर थर्ड अटेम्प्ट में तो मेरे पास खैर टाइम भी बहुत कम था इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बीच, तो मैंने करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कट शॉर्ट कर दिए थे। जो मेजर मेजर करंट अफेयर्स थे पॉलिटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो मैंने किए थे, बाकी आईआर ये सब के करंट अफेयर्स तो मैंने पूरी तरह से छोड़ ही दिए थे। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि स्टैटिक का फोकस बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट 70-80% फोकस स्टैटिक सिलेबस का होना चाहिए और बाकी 20-30% में आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए हम अलग से बात करेंगे। और दूसरा चीज़ मैं टच करना चाहूँगा टेस्ट सीरीज और इन चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में बेसिकली। तो मेरा ये मानना था कि टेस्ट सीरीज में जो भी आपका स्कोर आ रहा हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो ह्यूरिस्टिक्स या जो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो एलिमिनेशन करते हैं स्टेटमेंट्स का, वो आपका टेस्ट सीरीज में काम नहीं करता। तो इसलिए उसके जो स्कोर्स हैं वो कंप्लीटली इनवैलिड है मेरे परसेप्शन में। वो आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं कि आप टाइम अपना मैनेज कर पाएं और ऑन द स्पॉट 2 घंटे के अंदर आप सही तरीके से सोच पाएं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। उसके लिए मैं ज़्यादा फोकस करता था टेस्ट सीरीज में, और टेस्ट सीरीज पे मेरा फोकस विथ अटेम्प्ट्स डिक्रीज होता गया, लाइक फ्रॉम 35-40 पेपर्स डाउन टू 20 पेपर्स, और इस बार तो मैंने शायद 3 या 4 ही प्रैक्टिस किए थे मॉक्स। बट हाँ, एक चीज़ मेरी थी कि मैं वो एनवायरनमेंट सिमुलेट करने के लिए मैं अभ्यास जरूर देता था, विजन का एक अभ्यास होता है वो मैं ज़रूर देता था 2022 और 2023 वाले अटेम्प्ट्स में। 21 में मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने दिया था कि नहीं। तो वो क्या करता था कि एक्चुअल एग्जाम के 2 हफ्ते पहले मेरे को एक्चुअल सिमुलेशन दे देता था एग्जाम का, कि सुबह मेरे को 2 घंटे ये करना है, फिर मेरे को अपना लंच करना है, फिर 2 घंटे सी सैट करना है, और ऐसा 2-3 बार होने से एक वो बन जाता था माइंडसेट कि हाँ एग्जाम मेरे को इस तरह से टैकल करना है। तो फिर असली एग्जाम में जा करके वो प्रेशर और वो न्यूनेस नहीं फील होती थी मेरे को। तो इसके अलावा रही बात बुक लिस्ट की प्रीलिम्स के से रिलेटेड, तो मैं कहूँगा कि जो हमारे पुराने टॉपर्स ने सजेस्ट किया था मैंने भी मोर और लेस वही सेम बुक लिस्ट की थी, जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, ओल्ड एनसीईआरटीज फॉर मिडिवल एंशियंट एंड आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा जैसे शंकर आईएएस सजेस्ट की जाती है इन्वायरमेंट के लिए, तो वो मैंने किया ही था। साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ढंग से एनालाइज किया था कि किस तरह के टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैंने अलग से गूगल से भी रेफर कर लिया था। इसके अलावा जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सब कोई प्रेफर करते हैं, तो वो मैंने भी किया था। उसके अलावा मैंने बेयर एक्ट पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं या उन वर्ड्स की जो डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो मैंने बेयर एक्ट भी रेफर किया था। और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उनसे थोड़े थोड़े मैंने गूगल करके भी आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में मेन मेरा फोकस था कि कैसे हम अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करें, चाहे वो किसी भी बुक से हो। मोटी बुक्स मैं अवॉइड करता था, किसी ना किसी कोचिंग के नोट से या किसी गूगल के सोर्स से, इस तरह से मैं अपने टॉपिक वाइज प्रिपेयर करने का प्रयास करता था इकोनॉमी को। और बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया था, मेरा मेन फोकस रहता था कि जो बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि फिजिक्स पे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था तो मैं बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट जो थे उनको गूगल से या फिर PT365 जो आती है विजन की उससे कर लेता था, या फिर जो आपके पुराने साल के पेपर्स हैं उनको देख करके उन टॉपिक्स पे ही मैं गूगल करके या फिर किसी पुराने टॉपर्स के नोट्स पड़े होते थे तो उनसे मैं रेफर कर लेता था। तो मोर और लेस ये मेरी ब्रॉड बुक लिस्ट रही थी अपार्ट फ्रॉम व्हाट द टॉपर्स जनरली हैव सजेस्टेड सो फार। तो इसके अलावा बात रही मेरे नोट्स की, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जो मैंने किया वो ये था कि मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे, मेरी जो बेसिक बुक्स थी उसी में मैं अंडरलाइन करता था, लाइक पहले रीडिंग में कोई अंडरलाइन नहीं, सेकंड रीडिंग में मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर लेता था जो जो इंपॉर्टेंट लगे, फिर थर्ड रीडिंग में मैं पेन से गोले बना लेता था जो जो वर्ड्स पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लगे, जैसे कहीं पर शैल लिखा है, कहीं पर मे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं उन वर्ड्स पे फोकस करता था क्योंकि वहां से मीनिंग चेंज हो जाता है लॉ में। फिर आखिरी जब होने लगता था प्रीलिम्स के पहले तो फिर हाइलाइटर में यूज़ करता था कि अब मेरे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं एक वर्ड पढ़ के पूरा सेंटेंस रिकॉल कर सकूं कि उस सेंटेंस का एसेंस क्या था। तो फिर आखिरी के अपने रिविजन्स में मैं हाईलाइटर चलाता था और फिर मैं सब्सिक्वेंटली सिर्फ उन हाईलाइटेड पोर्शंस को ही रिवाइज करता था। तो इस तरह मल्टीपल रिविजन्स मेरे प्लान होते थे। और एग्जैक्टली मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स के 1 हफ्ते पहले मेरा प्लान ऐसा होता था कि जो पेपर मेरे को सबसे आसान लगता है
वो मैं पहले खत्म करूं उस हफ्ते में, और जो मेरे को सबसे मुश्किल लगता है वो मैं बाद में खत्म करूं। तो उस हफ्ते में मैं अपने सबसे पहले, जैसे मान लीजिए मैं इकोनॉमी उठाऊंगा, उसमें जो भी मेरे को हाईलाइटेड पोर्शंस हैं वो मैं रिवाइज करूंगा जल्दी जल्दी, और कोशिश करूंगा एक दिन के अंदर अंदर इकोनॉमी पूरा का पूरा खत्म करूं। सेकंड डे अगला सब्जेक्ट, ऐसे करते करते फिर फाइनल डे में अपना हिस्ट्री उठाऊंगा, उसमें कोशिश करूंगा कि जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन मैं रिवाइज कर सकता हूं एक दिन के अंदर अंदर वो खत्म करूं, और फिर अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ जा करके अपने प्रीलिम्स में बैठ जाऊं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि 2 महीने से कम बचा है अब नेक्स्ट 2024 के प्रीलिम्स में, तो मैं बस ये थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगा कि अब ये टाइम है कि आप कुछ नया रिसोर्स ना छुएं। जैसे मैं अपने रिवीजन की स्ट्रेटजी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि किस तरह प्रोग्रेसिवली मैं रिवीजन करता था, तो आप जिस भी स्टेज से हैं वहां से अब ट्राई करिए कि कंसोलिडेट करते जाएं। जितने कम शब्दों में जितना ज़्यादा आपको रिकॉल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका अब एफिशिएंसी होगा रिवीजन का, तो उस तरफ रिवीजन में आगे बढ़ें। और जब 1 महीना बच जाए तब आई वुड सजेस्ट कि आप रोज़ एटलीस्ट 2 घंटे टाइप्स पर्टिकुलरली डेडिकेट करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 1-2 घंटे अगर आप डेडिकेट करेंगे तो आपको ना सिर्फ वो क्वेश्चंस के ह्यूरिस्टिक्स याद हो जाएंगे, बल्कि आप उन क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज भी कर पाएंगे कि किस प्रकार उनके स्टेटमेंट्स को आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये मेरा जनरल सजेशन होगा अगले 2 महीने से भी कम जो टाइम बचा है उसके लिए। तो अब प्रीलिम्स के बाद हम लोग चलते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस की तरफ हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा सिलेबस देखा जाता है और बहुत ही सारे पेपर्स देखे जाते हैं, 4 पेपर जीएस के, 1 पेपर एसए का, 2 पेपर ऑप्शनल के, और उसके अलावा हमारा पास हिंदी और इंग्लिश के पेपर्स अलग होते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग जो अपने पास हिंदी और इंग्लिश के पेपर्स होते हैं उनसे। तो इसमें अधिकतर देखा गया है कि लोगों का एक सब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, दूसरा सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता है। जैसे मैंने इंग्लिश में तो हमेशा से पढ़ाई की थी, बट हिंदी का टच छूट चुका था क्योंकि आखिरी बार क्लास 10th में पढ़ी थी। तो कई लोग क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, और उस इग्नोरेंस के कारण लगभग 10-15% लोग अपना मेंस का अटेम्प्ट खो देते हैं। तो ट्राई करना है कि ये गलती ना की जाए, मिनिमली सही लेकिन हिंदी को पढ़ना ज़रूर है। तो मैंने क्या किया था कि जो जीएस और ऑप्शनल के बीच का जो 1 हफ्ता होता है, उस 1 हफ्ते में मैं रोज़ 2 घंटे हिंदी को दे देता था कि इस टाइम मेरे को हिंदी के मुहावरे पढ़ने हैं या फिर जो भी कोर्स की चीज़ें हैं उनमें से कुछ ना कुछ मेरे को रोज़ 1.5-2 घंटे पढ़ाई करनी है हिंदी की। अब हम आते हैं जो हमारी मेन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एसए का पेपर, जो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज़्यादा वाइड रेंज प्रोड्यूस करता है मार्क्स में। तो उसमें मेरे पास थोड़ी सी हेल्प भी थी, लाइक मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो कि हु हैज़ बीन एन एविड रीडर, तो उनकी हेल्प ले करके, और उसके अलावा भी मेन प्रयास ये रहता था कि जो प्रीवियस टॉपर्स हैं उन लोग के पेपर्स मैं देखूं कि उन लोगों ने ऐसे किस प्रकार से लिखे थे और मेरे ऐसे और उनके ऐसे में क्या डिफरेंस है, क्या वो पॉइंटर्स हैं जो वो एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं जो कि मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं या अगर आपके पास कोई मेंटर है तो उनसे भी करवा सकते हैं। मेन जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो होती हैं वही मल्टी डायमेंशनैलिटी और उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको ब्रेक डाउन कैसे करना है। मल्टी डायमेंशनैलिटी में कई लोग वो पेस्टल वाली अप्रोच सजेस्ट करते थे, लेकिन फिलोसॉफिकल ऐसे हो, चाहे जैसे इस बार एक तो ऐसे जीएस टाइप का भी दिख रहा था जो चाहे फेमिनिज्म से रिलेटेड हो चाहे आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, बट हमको उस चीज़ पे वो फोकस नहीं करना है। हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारा ऐसे है उसका जो फ्लो है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, और इसलिए हमको उस ऐसे को ब्रेक भी उसी तरह ऑर्गेनिकली करना है कि जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारे पास आया तो हमारे पास वही 5-6 जो क्वेश्चंस होते हैं व्हाई वेयर हाउ व्हेन टाइप के, उन क्वेश्चंस के अनुसार हमको ये टॉपिक को तोड़ करके और इसको सोचना है। जैसे कि मान लीजिए एक टॉपिक आया था कि शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट इज अराउंड देम बट बिकॉज ऑफ वाटर दैट इज इनटू देम। तो अब इसके 2 पार्ट्स हैं, एक वाटर अराउंड देम और एक वाटर इनटू देम। तो अब हमको इसके सारे पहलू खोल करके देखने हैं पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम, जो हमने आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए रिजर्व किया है जो हर टॉपर सजेस्ट भी करता है। उसमें हमको ये ध्यान देना है कि कैसे हम इस टॉपिक्स को लिंक करेंगे। तो वाटर अराउंड देम का हम क्या मतलब निकालते हैं, वाटर इन देम का, इन द शिप का हम क्या मतलब निकालते हैं, कैसे वो पानी बाहर से अंदर जा रहा है, किस प्रकार हम उस पानी को रोक सकते हैं अंदर जाने से, पानी यहाँ पर जैसे नेगेटिविटी है या कोई भी और चैलेंजेस हैं तो उनको हम किस तरह अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। इस तरह के सारे आपको डायमेंशंस पहले रफ में तैयार करने हैं और उसके बाद आप इनको जोड़िए कि ये किस लॉजिकल ऑर्डर में सही बैठेंगे
अपने कंटेंट के अनुसार, और फिर उनको आप ऑर्गेनाइज करिए एक तरीके से कि इसके बाद मैं ये डायमेंशन टच करूंगा, इसके बाद ये करूंगा। टोटल अगर आपके पास 7-8 इस तरह के ब्रॉड डायमेंशंस बन गए क्वेश्चन वाइज कि ये क्वेश्चन मैंने एक लिया, इसको मैंने हैंडल किया डिपेंडिंग ऑन वट एवर इंफॉर्मेशन और थिंग्स यू हैव, और फिर उनको एक फ्लो में अरेंज कर लिया, तो आई थिंक कि आप 120 आराम से क्रॉस कर सकते हैं अगर आपने ढंग से ये चीज़ें कर ली। अब इसके बाद फ्लो के अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एसए में, वो होता है आपके कंटेंट का। कंटेंट कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जो जीएस वाला है वही सेम टू सेम इसमें भी यूज़ कर लेते हैं। अब इससे दिक्कत ये नहीं है कि आपके कंटेंट में कोई कमी है, इससे दिक्कत ये है कि जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वही कंटेंट 1000 लोग और लिख रहे हैं, तो आपके कंटेंट में भी वो यूनिकनेस नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो मैंने भी किया था, कि मैं अपनी हॉबीज़ के थ्रू अपना कंटेंट जनरेट करता था। कि जैसे मान लीजिए मैंने एवोल्यूशन या डायनासोर्स के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अब एक पर्टिकुलर टॉपिक आया जिस पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर मैं ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास मेरे हॉबी की वजह से है वो मैं डाल सकता हूँ। कि जैसे मान लीजिए फेमिनिज्म के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उसके कॉन्ट्ररी एक मूवमेंट हुआ है यूएस में, मेंस राइट्स मूवमेंट। तो उस मेंस राइट मूवमेंट के बारे में बहुत कम लोग लिखेंगे, लेकिन आप वहाँ पर वो चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे आपके ऐसे को एक नया डायमेंशन भी मिलेगा और एक यूनिकनेस भी मिलेगी। तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा रीडिंग आपने की हुई है उसको ज़रूर इस्तेमाल करना है आपको ऐसे में, भले ही आपके जीएस के सारे पॉलिटी हिस्ट्री वाला डायमेंशन कवर होना हो, लेकिन इन चीज़ों पर ज़रूर आपको टच करना है। ये मेरा फंडामेंटल रहता था और इसको मैंने रिलीजियसली फॉलो किया था। इन दोनों तरीके से अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के साथ रफ ड्राफ्ट ढंग से बना लिया, फ्लो ढंग से सेट कर लिया, और कंटेंट में अपने एटलीस्ट 15-20% यूनिकनेस डाल दी, तो आई थिंक 120 शुड बी इजिली गेटेबल इन एसे। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि अभी ऑल दो मार्कशीट नहीं आई है, बट पिछले अटेम्प्ट में मेरे 132 थे एसे में, विच वॉज अ डिसेंट स्कोर, तो इसलिए आई थिंक कि एसे में मेरे को आइडिया था। अब हम चलते हैं अपने अगले पेपर की तरफ। तो अगला पेपर आता है आपका GS1, जिसमें आता है हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी, ये तीन ब्रॉड चीज़ें हैं। अब हिस्ट्री में जो आपने प्रीलिम्स के लिए बुक्स पढ़ी हुई हैं, चाहे स्पेक्ट्रम हो चाहे NCERT हो, उन सबको तो आपको देखना ही है। अब मैंने एक काम जो एक्स्ट्रा शुरू किया था वो ये था कि मान लीजिए आपके पास आपने अभ्यास लगा हुआ है पिछले साल का, या कोई भी और टेस्ट सीरीज़ लगाई हुई है, तो उन टेस्ट सीरीज़ के जो आंसर्स थे वो अब आपके लिए कंटेंट की तरह काम कर सकते हैं। खासकर ज्योग्राफी में मैंने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की थी, और हिस्ट्री में भी ये चीज़ काफ़ी इस्तेमाल की जा सकती है। तो अब आपका टारगेट यहाँ पर ये होना चाहिए कि पहले तो आप अपना कंटेंट कंसोलिडेट करें, हिस्ट्री हो चाहे सोसाइटी चाहे ज्योग्राफी, तीनों के लिए आप अपने नोट्स तैयार करें, खासकर उन टॉपिक्स के जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। जैसे गांधीयन एरा हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड किन किन तरह के पार्टिसिपेंट्स थे, किन तरह के आपके फोर्सेस थे, आइडियाज थे, वो सारे के आपके शॉर्ट क्रिस्प नोट तैयार होने चाहिए। इसके बाद सोसाइटी में जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से हर एक सब टॉपिक के आपके पास एटलीस्ट 150 मार्क्स के आंसर लिखने लायक कंटेंट तैयार होना चाहिए, और 250 वर्ड्स वाले जो आंसर्स होते हैं उनका कंटेंट तो 2-3 मल्टीपल टॉपिक्स के अमलगमेशन से बन जाता है, लेकिन एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने लायक कंटेंट तो आपके पास हर एक सब टॉपिक पे रेडी होना चाहिए। अब इस पे हम आगे देखते हैं कि इनको अब आगे यूज़ कैसे करना है। तो अब आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी आपका हिस्ट्री हो चाहे सोसाइटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, इनका आपका एक बार कंटेंट तैयार हो जाता है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना शुरू करें, और साथ ही साथ प्रैक्टिस अपनी आंसर राइटिंग की शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया, तो अब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर आपके जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज के आंसर्स हैं वो आप देख लीजिए, उनसे अपने पॉइंटर्स नोट कर लीजिए, इनको आप एक बार बाय हार्ट कर लीजिए, और अब आप अपनी आंसर राइटिंग शुरू करिए। पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट एक बार आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद डेफिनेटली आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। यही सेम फंडामेंटल आपको हिस्ट्री हो चाहे सोसाइटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, तीनों में अप्लाई करना है। तो ये मेरा अभी तक का GS1 का पहले अटेम्प्ट के अनुसार मेरा एक्सपीरियंस था। अब इसके बाद हम आते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो आप किस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे हिस्ट्री हो चाहे सोसाइटी चाहे ज्योग्राफी, उसका एक तरीका तो आपके पास डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और उसके अलावा आपके पास एक ये भी इंफॉर्मेशन रहती है कि करंट में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। जैसे कि कई बार देखा गया है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के 100 साल 200 साल कंप्लीट हो रहे हों तो वो पर्टिकुलर चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो वहाँ के आसपास की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, या कोई नई चीज़ें आ रही हैं सोसाइटी में जैसे कि गिग इकोनॉमी, हम लोग इकोनॉमी में पढ़ना प्रेफर करते हैं,
बट यूपीएससी उसको सोसाइटी में पूछ लेता है। तो करंट अफेयर्स का पेपर वन में बस इतना इस्तेमाल है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर टॉपिक्स क्या चीज़ें हैं, ताकि आप उनको सोसाइटी के साथ लिंक कर सकें और अपने आंसर्स फ्रेम कर सकें। इसके अलावा मैंने ये जो नोटिस किया अपने प्रीवियस अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए पिछली बार जीएस वन में, और उन पर मैंने इम्प्रूवमेंट करने का सोचा। तो मेरे जो मेजर रीजंस जो मेरे को दिखे थे वो ये थे कि पहला, मेरे क्वेश्चंस में डायग्राम्स बिल्कुल ही गायब थे पेपर वन में। तो आपको रैंडमली डायग्राम्स नहीं बनाने हैं कि हर क्वेश्चन में एक डायग्राम होना ही चाहिए, ये मेरा एम नहीं था। लेकिन ये एम था कि जहाँ पर कोई भी डायग्राम मेरे को आता है और फिट बैठ रहा है उसको डेफिनेटली डालना है, चाहे आर्ट एंड कल्चर में स्तूपा बना दिया या कोई जो आपको आर्ट फॉर्म आती है उस क्वेश्चन से रिलेवेंट है वो बना दिया, या फिर ज्योग्राफी में कोई मैप बना दिया कि जैसे स्वेज कनाल पे आया तो स्वेज कनाल के आसपास की ज्योग्राफी दिखा दी, उस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं पेपर वन में। और साथ ही साथ एक अल्टरनेट डायमेंशन भी आपको डालना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि डेक्कन जो ट्रैप्स हैं उनका रिसोर्स पोटेंशियल क्या है, तो ये तो हर कोई लिख करके आएगा 8-10 पॉइंट कि उनका रिसोर्स पोटेंशियल क्या क्या है। एक अगर आप डायमेंशन आधे पेज में मान लीजिए लास्ट में ऐड कर दें, 2-3 पॉइंट ही सही, कि उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या हिंड्रेंसेस हैं, तो वो 2-3 पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा एज दे जाएंगे बाकी राइटर्स पे जो आपके साथ जो लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि मैंने जीएस वन में अपने ऑब्जर्व भी किया था और बाद में इम्प्लीमेंट भी किया था। तो अब जीएस पेपर वन के बाद हम चलते हैं जीएस पेपर टू की तरफ। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है मेन जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हैं पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात मेरे को ये लगी थी कि इस पेपर में रेपिटिशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सेम थीम पे क्वेश्चंस रिपीट काफ़ी फ्रिक्वेंटली होते हैं। और अगर आप थीम ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे आजकल की जो थीम बन गई है वो एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को पकड़ करके और उस पर ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो इस तरह की ब्रॉड थीम्स आपको आइडेंटिफाई करनी है पूरे पेपर में और फिर उनके अनुसार आपको अपना कंटेंट, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये मैंने भी किया था। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे ऑनलाइन, लाइक टाइप करके मैं नोट्स प्रेफर करता था प्रिपेयर करना, और हैंड रिटन नोट्स मेरे को इतने पसंद नहीं थे। तो मैं ऑनलाइन कंटेंट ढूंढता था, चाहे किसी और टॉपर के नोट्स से मिल जाएं या फिर गूगल पे सर्च करके मिल जाएं, या फिर इवन आजकल चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा टूल बन गया है। तो यहाँ पर नोट्स प्रिपरेशन के लिए फिर आप हर एक सब्जेक्ट पे जाएं, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड अपने पॉइंट्स लिखें कि क्या उसके पॉइंट्स फॉर हैं, पॉइंट्स अगेंस्ट हैं, किस तरह क्या चैलेंजेस हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जैसे कि पॉलिटी वाले टॉपिक में आपके पास केस जजमेंट्स आपके हैंडी होने चाहिए, आजकल तो लिख भी देता है कि रेफर टू द रेलिवेंट केस लॉज, साथ ही साथ आपके आर्टिकल्स हैंडी होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया हो जाएगा अगर आपके पास उन पर्टिकुलर लॉज से रिलेटेड सेक्शंस भी हैंडी हो, कि जैसे सेक्शन 144 सीआरपीसी आपने लिख दिया अगर कहीं पर गवर्नेंस में, तो वो सब भी आपका हैंडी हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे। तो वहां पर आप देखेंगे कि इनमें एग्जाम्पल्स और खासकर केस स्टडीज, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों में मैं क्या करता था कि एग्जाम्पल्स लिखना तो अपनी जगह है, साथ में मैं ट्राई करता था कि एक फ्रेश पेज पे टॉप राइट कॉर्नर में बॉक्स बना करके उसके अंदर में केस स्टडी लिख करके और एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल कोट कर देता था। तो ये भी मैंने अलग से अपने नोट्स में प्रिपेयर किया था कि जैसे सिटीजन चार्टर का आएगा तो उसमें मेरे को कौन से पर्टिकुलर एग्जाम्पल को केस स्टडी लिख करके बॉक्स में डालना है। ये जो बॉक्स वाली चीज़ है ये मैंने काफ़ी ज़्यादा की थी इस पर्टिकुलर पेपर में। तो इनमें ये केस स्टडीज इंपॉर्टेंट होगी। और जो आखिरी इंटरनेशनल रिलेशंस वाला सेक्शन है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक आपके मैप्स, तो केस स्टडी अगर हो किसी में तब तो ठीक है, वरना आईआर में जनरली मैं टॉप राइट कॉर्नर में बॉक्स बना करके और मैप बनाना प्रेफर करता था। और साथ ही साथ इसमें कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि डी हाइफनेशन पॉलिसी हो गई या फिर इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैं नोट्स बना करके रखे थे कि किस पर्टिकुलर कंट्री के रिलेशन के साथ कौन सा कीवर्ड मेरे को ज़रूर फिट करना है। तो आपके ब्रॉड नोट्स के साथ ये स्पेसिफिक चीज़ें भी आपके नोट्स में होनी चाहिए ताकि वो टॉपिक देखते ही आपको ये स्पेसिफिक चीज़ें याद आ जाएं तुरंत, और यही स्पेसिफिक चीज़ें आपको वो एज देंगी जो मेजॉरिटी ऑफ द जनता नहीं कर रही होगी। तो ये हमारे ओवरऑल GS2 का रहा, और यही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर भी पाया गया है पिछले कई सालों से, तो इसलिए इन पे मैंने कुछ ज़्यादा ही फोकस किया था कि मेरे नोट्स भी काफ़ी हद तक क्रिस्प हों
और उसके साथ साथ जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई, ये भी मैंने बहुत ढंग से रिसर्च करके डिटेल में प्रिपेयर करी थी, ताकि मैं हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 3-4 चीज़ें ऐसी डाल सकूं जो कि यूनिक हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही हैं, और मेरे आंसर को बाकी जनता के आंसर से अलग हटके दिखाने में हेल्प करेंगी। तो ये था हमारा GS2 का मेन ओवरव्यू। तो अब हम आ जाते हैं GS3 की तरफ, जो कि हमारा तीसरा पेपर है। अब यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेंगे इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। तो अब इसमें मैंने क्या किया था कि तीन जो सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन तीनों में मैंने काफ़ी रेपिटेशंस देखे थे ईयर ऑन ईयर। इसमें अगर आप पिछले 5-10 साल के पेपर सॉल्व कर लेंगे तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 रिपीट होते हैं, 1 नया आ जाता है। तो इनके मैंने स्पेसिफिकली वैसे ही डिटेल नोट्स बनाए थे जैसे मैंने आपको GS2 में बताया कि आपके पास स्पेसिफिक पॉइंटर्स होने चाहिए, बल्क डेटा होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स या कुछ पर्टिकुलर केस स्टडीज़ अगर मिल जाएँ तो बहुत बढ़िया, कुछ डायग्राम्स मिल जाएँ जैसे फार्मिंग टेक्निक्स के जो डायग्राम्स होते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये सब में बनाने में काम आ जाएँ, तो उस तरह की चीज़ें आपके पास हैंडी होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास डेटा पूरे इस पेपर में। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स का मैंने जो नोट्स बनाए थे उनमें मैंने वो डेटा पॉइंटर्स डाल लिए थे जो मैं मोर और लेस यूज़ करूँगा ही करूँगा। अब इसके बाद फिर हम आते हैं बाकी जो 3 सब्जेक्ट बच गए जो कि मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली हैंगिंग रहते थे, तो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक। ये 3 सब्जेक्ट्स थे, ये काफ़ी डायनेमिकली चलते थे मेरे लिए भी, और इवन UPSC भी इनको ऐसे ही चलाता है। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर आपको मेंस 365 जैसे बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कंपेयर टू जो आपका स्टैटिक सिलेबस आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपके जो मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि यूनियन बजट हो गया या इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि उन पूरे बल्कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बैठ गए और रगड़ रहे हैं, कोई भी एक कोचिंग के कंपाइलेशन पकड़ लीजिए जो कि आपको मतलब 20 पन्ने से कम के मिल रहे हो, जिन्होंने भी 20 पन्ने से कम में कंप्रेस कर दिया हो उनके आप नोट्स उठा लीजिए और फिर उनको आप पढ़िए। उसमें फिर से वही जैसे मैंने आपको प्रीलिम्स में तरीका बताया था, एक रीडिंग, उसके बाद फिर पेंसिल से अंडरलाइन, फिर पेन से गोले बना लिए, फिर हाइलाइटर चला लिया और लास्ट में सिर्फ हाइलाइटर वाला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका मकसद रटना नहीं है, यहाँ मकसद है कि ऊपर ऊपर से आपको वो चीज़ें फैक्ट्स ध्यान रह जाएं। कोई अगर एग्जैक्ट डेटा है तो वो इतना एग्जैक्ट कोट करना ज़रूरी नहीं होता है। अब मान लीजिए जैसे आपको पता चला कि GDP इस वक्त 20.48 ट्रिलियन है, 20.5 ट्रिलियन भी आपने लिख दिया तो काम चल जाएगा। उस तरह का आप ब्रॉड डेटा आपको आइडिया होना चाहिए, ये UPSC मेरे अनुसार इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक, यहाँ पर आपके थोड़े डायग्राम्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट में आपका कोई लेक्स ये सब पे क्वेश्चन आ गया, तो लेक का जो ब्रॉड डायग्राम आपने पढ़ा हुआ है लिटोरल रीजन और क्या क्या रीजन्स होते हैं वो आप एक बार हल्का सा साइड में एक बॉक्स बना के बना दें। यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखिए कभी भी जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो ये नहीं दिखना चाहिए कि आप डायग्राम के माध्यम से जगह छेकना चाह रहे हैं उस पन्ने की, आप ये दिखाना है आपको कि आपके पास कंटेंट भी है, 3/4 पन्ने पे आपने कंटेंट भर रखा है और 1/4 पन्ने से भी कम में आपने एक बॉक्स में अपना डायग्राम बना रखा है जो कि लेबल्ड है और दिखा रहा है कि आपके पास एक ब्रॉड ओवरव्यू है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का। तो ये हमेशा आपका काम करेगा मेरे अनुसार। और इस तरह के जो स्पेसिफिक्स हैं वो आपको छांटने हैं उसी दौरान। ये वाली जो प्रिपरेशन होती है ये आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया कि जिनके नोट्स आप पहले से प्रिपेयर रख सकते हैं वो आप प्रीलिम्स के पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच ही करना फायदेमंद रहेगा क्योंकि उस टाइम आपके मेमोरी में भी ये फ्रेश रहेगा और मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स जो आते हैं लाइक 70% टाइप वो आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाले ही आते हैं, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे ये 3 इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक हो। तो इन चीज़ों का अगर आप ब्रॉडली ध्यान रखेंगे तो मेरे अनुसार GS3 में एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों से तो इसमें स्कोर 100 के नीचे रह रहा है जनरली, बट फिर भी आप एकदम बेकार जैसे कि 70 के नीचे काफ़ी बेकार स्कोर माना जा रहा था उतना आप नहीं गिरेंगे अगर आप इन ब्रॉड पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे GS3 में। तो अब GS3 के बाद हम आ जाते हैं GS4 पे जो कि है एथिक्स का पेपर, जो कि हाईली स्कोरिंग और हाईली डायनेमिक माना जाता है जस्ट लाइक द SA पेपर। तो यहाँ पर कोर्स तो डेफिनेटली बहुत वाइड है,
कई सारे टर्म्स हैं उन पे हर कोई कहता है कि अपने हर एक टर्म पे नोट्स होने चाहिए, तो ये सब मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि होने चाहिए। जो हर एक टॉपर बताता है वो तो आपको करना ही है कि सिलेबस के हर एक टर्म पे आपके नोट्स होने चाहिए, उनके फॉर, उनके अगेंस्ट, उनके एग्जांपल्स, ये सब आपके डिस्टिंक्टली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ये आपके स्टैटिक पार्ट में आता ही है। इसके अलावा मैं एथिक्स के पेपर को ब्रॉडली तीन हिस्सों में बांटना चाहूँगा। एक आपका स्टैटिक सब्जेक्ट, स्टैटिक पोर्शन है जिसमें आपके जनरली जो थीम्स हैं, चाहे अकाउंटेबिलिटी की थीम हो गई, चाहे पब्लिक सर्विसेज की थीम हो गई, चाहे डायलेमास की थीम हो गई, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर सेकंड पोर्शन है जहां पर आपके तीन कोड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और फिर थर्ड सेक्शन है जो कि प्योरली केस स्टडी है। इन तीनों सेक्शन को आपको हैंडल करने का तरीका बहुत ही अलग होना चाहिए। जो आपके कोड बेस्ड सेक्शन क्वेश्चंस हैं वो आपके मोर और लेस लाइक अ स्मॉल एसे हैं। जैसे आपने 11 पन्ने का एसे लिखा था उसी तरह से मैं हैंडल करता था अपने कोड बेस्ड क्वेश्चंस को भी, बस इनको दो पन्ने में लिखना है। तो वही सेम होगा कि जल्दी जल्दी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या तीन चार क्वेश्चंस आपको हैंडल करने हैं उस कोड पे, जैसे हमने एसे में किया था। उसके बाद उसका एक काउंटर डायमेंशन भी होगा, वो भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप आखिरी के दो तीन पॉइंट उस पर भी लिखें कि ये चीज़ क्यों पर्टिकुलरली नहीं हो पाई, और फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन जो कि आपके क्वेश्चन से लिंक्ड हो। ये उस पर्टिकुलर कोड बेस्ड क्वेश्चन में मैं करता था या करने का प्रयास करता था। फिर हम आते हैं स्टैटिक पोर्शन पे, जिसमें कि मैंने बताया कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में। पहले क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते थे, लेकिन पिछले दो साल से मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस काफ़ी इनडायरेक्ट हो गए हैं। नए प्रकार के इनोवेटिव क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। अब उन क्वेश्चंस पे अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको उनको ऑन द स्पॉट सोच करके और इफेक्टिवली लिमिटेड टाइम में लिखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए उस ब्रॉड सिलेबस का जो कवरेज है वो आपका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। सबसे कम टाइम यही आपका सब्जेक्ट लेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको यही दिलवा सकता है। तो इसलिए इस पे खासा फोकस करें, इसके नोट्स पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो आखिरी पोर्शन आता है केस स्टडीज़ का, उनमें भी आपके पास एक अलग सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे मैं क्या करता था कि जो छः क्वेश्चन थे उनमें अलग अलग पैटर्न पर मैं उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करता था। जैसे कि इवन कई पहले टॉपर्स ने कहा भी है कि कहीं पर आप कोई एलिमेंट डालें कोई एलिमेंट ना डालें, लाइक स्टेक होल्डर्स आपको जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में डालें ही, पूछा है तो जरूर डालें, नहीं पूछा है तो फिर आपकी मर्जी है। हर क्वेश्चन में अगर आप डालेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके एक जैसे दिखेंगे, फिर ये नहीं दिखेगा कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही एड्रेस कर रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच लेकर के चलें, ताकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप एड्रेस कर रहे हैं उसके सारे डायमेंशन खुल पाएं। कि जैसे मान लीजिए किसी में कोई पॉलिटिशियन है तो उसका भी एस्पेक्ट आपको ले करके चलना है अपने उस आंसर में। फिर जिन जो पब्लिक है उसका भी एस्पेक्ट होना चाहिए, यू एज अ सिविल सर्वेंट का भी एस्पेक्ट होना चाहिए, कोई कॉरपोरेट बॉडी है उसका भी एस्पेक्ट होने चाहिए। तो हर एक पार्ट में जो आपके पांच छह पॉइंट जनरेट हो रहे हैं वो इस तरह से अगर होंगे कि सबके इंटरेस्ट्स को कवर कर रहे होंगे तो अपने आप ही होलिस्टिक भी होंगे और मल्टी डायमेंशनल भी होंगे। इन चीज़ों का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए केस स्टडी में। और यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे जरूर ध्यान दें। इंट्रोडक्शन में अगर आप आर्टिकल्स डाल सकें कॉन्स्टिट्यूशन के, या कोई लॉज डाल सकें, या इवन अगर कोई जजमेंट डाल सकें, तो वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और कंक्लूजन में अगर आप कोई, जैसे मान लीजिए गांधी जी के कोट से अगर कंक्लूड कर सकें, या फिर किसी उस तरह की जिससे जो थ्योरीज होती है आपकी यूटिलिटेरियनिज्म या ये सब, उनसे अगर कंक्लूड कर सकें तो एक आपका जो फ्लो बनेगा वो काफ़ी होलिस्टिक, एथिकल और साथ साथ क्वेश्चन को टच करने वाला बनेगा। इनमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि पूरे इस पेपर में जो कोटेशंस होते हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चाहे आपका स्टैटिक पार्ट हो चाहे आपका केस स्टडीज़ का पार्ट हो, उसमें आप जो बेसिक जो आपकी थीम्स आपने आइडेंटिफाई की हैं, हर एक थीम से रिलेटेड दो तीन कोट्स जरूर बना के रखें, और ट्राई करें कि वो कोट्स आप शुरू में या एंड में यूज़ करें। एंड में वैसे जनरली मैंने देखा है फायदा थोड़ा कम होता है। अगर आप स्टार्टिंग कोट के साथ कर देते हैं तो आपके एग्जामिनर को स्टार्टिंग में ही वो एक इंप्रेसिव पॉइंट मिल जाता है आपके आंसर का। तो मैंने इस बार कई क्वेश्चंस में ट्राई किया था कि मैं स्टार्टिंग में ही कोट्स डाल दूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडिशन था जो मैं कहना चाहूँगा। और आपके नोट्स डेफिनेटली आपके कंसोलिडेटेड होने चाहिए। ये जो दो तीन पॉइंटर्स थे वो मैंने डेफिनेटली चेंज किए थे अपने सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में। और इसके साथ एक और ब्रॉड जो चेंज था मेरे सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में एथिक्स के रिगार्डिंग, वो था कि एक पीयूष सर हैं, उनसे मैंने गाइडेंस ली थी एथिक्स के लिए स्पेसिफिकली, और उनके कंटेंट और उनके गाइडेंस से मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। तो उनका मैं नाम यहाँ पर ज़रूर लेना चाहता था ताकि उनको ड्यू क्रेडिट मिल सके।
इसके बाद हम आते हैं ब्रॉड आंसर राइटिंग वाले पर्सपेक्टिव से। इसमें भी कई सारे मिथ्स हैं कि आंसर राइटिंग कब शुरू करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए और किस पेस पे करनी चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि शुरुआत आपको डेफिनेटली आंसर राइटिंग से नहीं करनी चाहिए। पहले आपको सिलेबस ख़त्म करना है, उसमें जो अपने पॉइंटर्स रटे उनको बाय हार्ट करना है, उसके बाद ही आंसर राइटिंग पे जाना है, क्योंकि बिना कंटेंट के कोई आंसर राइटिंग नहीं हो सकती। बट आप एक बार उस स्टेज पे पहुंच गए आंसर राइटिंग के, तब फिर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए डेफिनेटली उसको बार बार प्रैक्टिस करना है और रोज़ प्रैक्टिस करना है, खासकर प्रीलिम्स और मेंस के बीच। तो जैसे जो मेजर मेरा डिफरेंस था सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में, वो यही था कि क्योंकि मेरा कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार मेंस दे चुका था, तो इसलिए इस वाले मेंस में मेरा पूरा का पूरा फोकस आंसर राइटिंग पे था। मैं जितना टाइम थ्योरी पढ़ने को दूंगा उस टाइम के अनुसार मैं 1-1.5 घंटा जरूर दूंगा आंसर राइटिंग को। रोज़ मैं ट्राई करता था कि 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली लिखूं ही लिखूं। और इस आंसर राइटिंग के लिए एक सचिन अरोड़ा सर हैं, उनका MMP प्रोग्राम चलता था, तो वो मैंने ज्वाइन किया था। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम और उसमें वो खुद ही फिल्टर करके ही स्टूडेंट्स को लेते हैं। आई थिंक 30 या 50 स्टूडेंट्स कुछ उन्होंने लिए थे, सबको वो लेते भी नहीं। तो उनके साथ मैंने जब ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, तो उससे उस रेगुलरिटी से और उन लोगों के फीडबैक से मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। मेरे आंसर्स अपने आप इम्प्रूव होने लग गए थे, खासकर जब आप देखते हैं कि आपके साथ कितने सारे लोग आंसर्स लिख रहे हैं, उनके आंसर्स में क्या वेराइटी है, क्या एडिशनल एलिमेंट्स है जो वहाँ से आप अपने में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो उससे अपने आप ही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स मैं आंसर राइटिंग पर डेफिनेटली कवर करना चाहता था कि करें ज़रूर, रोज़ लग के करें 1-1.5 घंटा जरूर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें प्रीलिम्स और मेंस के बीच, और हर बीतते दिन के साथ देखें कि आपके आंसर्स में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। आप कहीं पर टेस्ट सीरीज करेंगे या कहीं से कॉपी चेक कराएंगे, वो आपको उतना फायदा नहीं करेगा। उनके फीडबैक अच्छे हैं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन जो असली इंप्रूवमेंट है वो आपको खुद से ही दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरे आंसर में पहले ये नहीं दिखता था, उसके आंसर में मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती थी, अब ये मेरे आंसर में भी मेरे को दिख रही है। तो आपको खुद ही वो इंप्रूवमेंट फील होगा, और जब वो इम्प्रूवमेंट आपको फील होगा तभी आप समझिएगा कि आपके आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो रही है। दूसरे के फीडबैक पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इट्स इम्पॉर्टेंट बट देन इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट आंसर राइटिंग। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार डाउट्स में आते हैं बट अभी मेरे कवर करने रह गए, वो ये हैं कि जैसे पहला पेन का क्वेश्चन कई बार आता है कि पेन जिससे लिख रहे हैं वही एग्जाम में भी लिखें, किस तरह का पेन इस्तेमाल करें। तो इनमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट है कि आपका हाथ उस पेन के साथ एडजस्टेड हो। तो जो भी आप पेन यूज कर रहे हैं वो थ्रू आउट द प्रिपरेशन यूज करें और फिर उसी से आप एग्जाम भी लिखने की कोशिश करें। तो जो पेन आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में यूज कर रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, वही पेन से लिखें, तो उससे आपका हाथ भी सेट रहता है और मेरा पर्सनली भी यही मानना है। फिर इसके अलावा एक जो मैंने चेंज किया था, जो कि शायद इतना सिग्निफिकेंट ना हो बट मेरे को साइकोलॉजिकली लगा था कि आपका आंसर किस तरह से उभर करके आ रहा है, उससे भी शायद एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है पढ़ने वाले पे और मार्किंग करने वाले पे। तो इसलिए मैंने पहले मेंस में तो मैंने बॉल पेन से लिखा था जिसमें मेरा IPS में सिलेक्शन हुआ था, बट इस वाले मेंस में मैंने जेल पेन यूज़ किया था क्योंकि उसकी राइटिंग थोड़ी सी उभर के आती है और थोड़ी सी शाइनी होती है। तो दिस में भी ए स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट पॉइंट बट मेरे को लगा कि मैं बोल दूँ। इसके अलावा एक आता है अखबार का पॉइंट कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर मैंने ऑनेस्टली अपने सेकेंड अटेम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था मेंस तक, सिर्फ इंटरव्यू के लिए मैंने पढ़ाई की थी न्यूज़पेपर की। मैं जो कंपाइलेशन होते थे उन्हीं पर रिलाई करता था करंट अफेयर्स कवरेज के लिए, बट क्योंकि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के इंटरव्यू के लिए पढ़ा था इसलिए अपने थर्ड अटेम्प्ट में मैंने जब मेंस लिखा तो मेरे पास डेफिनेटली वो न्यूज़पेपर के नोट्स थे, तो उनको मैंने यूज़ तो किया था अपने मेंस में, बट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस मैंने फिर से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। तो न्यूज़पेपर के साथ मेरी जर्नी बहुत हैफजार्ड रही है और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि शायद न्यूज़पेपर्स आर नॉट द सिने क्वा नॉन फॉर पासिंग द मेंस। दे आर एसेंशियल, दे कैन फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे तो आपका मेंस निकलेगा ही नहीं। वो आपको कंटेंट बस आपको तैयार करना आना चाहिए कि चाहे आप गूगल से करें, चाहे ChatGPT से करें, चाहे कोचिंग से कंपाइलेशन से करें, बट जो स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपको निकाल करके लाने हैं। और इसके साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट करना चाहूँगा कि जो पुराने टॉपर्स के नोट्स हैं वो आप डेफिनेटली एक बार रेफर करने का ट्राई करें। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन में श्रुति शर्मा मैम थी, हमारे से पहले रैंक 1 थी उनकी, उनके नोट्स मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किए थे अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स पिक करने के लिए कि कहीं पर कोई जजमेंट मेरे को किसी जगह पे मिल जा रहा है तो उनके नोट्स से ले लिया,
कोई पॉइंटर्स मेरे को स्पेशल मिल गए तो वो मैंने ले लिया और उनको अपने नोट्स में ऐड करते जाएं। एक ये गलती कई बार लोग करते हैं कि टॉपर के नोट्स उठाए और उसी नोट से पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा मानना है कि उनके नोट्स उठाइए, दैट्स अ रेफरेंस बुक फॉर यू, बट उनके पॉइंट्स उठा करके अपने खुद के नोट्स में इंक्लूड करिए और फिर अपने नोट्स से पढ़िए, क्योंकि वो आपके खुद के बनाए हुए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा जल्दी याद भी होंगे और ज़्यादा रिटेंशन भी रहेगी उनकी। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैं मेंस के बारे में और कवर करना चाहता था। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है, स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं YouTube पर, राइट काउंटलेस टाइम्स देखा है। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहां पे सभी टीचर अच्छे हैं। स्लीपी क्लासेस हैज बीन द पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। आई यूज्ड टू फॉलो दैट 1 मिनट सीरीज प्लस द डेली 5 क्वेश्चंस दैट यू पुट। सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे हैं। तो अब मेंस के बाद अगली स्टेज आती है हमारी इंटरव्यू की, जिसके लिए लोगों के मन में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ भी रहती हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या पूछ लेंगे। और सोशल मीडिया पे तो गजबी चीज़ें चल रही होती हैं, रैंडम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपका IAS पक्का निकल जाएगा। तो मेन जो मिसकंसेप्शंस हैं वो यही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो बात तो सोशल मीडिया पे जो रैंडम मैथ्स के क्वेश्चन डालते रहते हैं लोग या पजल्स के क्वेश्चन डालते रहते हैं, वैसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है असली UPSC के इंटरव्यू में। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं अब यहाँ पर टच करना चाहूँगा। सबसे पहले आता है आपका मॉक्स का पॉइंट। तो मॉक्स में ये डाउट रहता है कि कितने किए जाएं या किए भी जाएं कि ना किए जाएं, अगर किया है तो उनके फीडबैक्स को कितनी सीरियसली लेना लें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि UPSC के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वहाँ पर बैठे हैं आपके असली पर्सनैलिटी देखने के लिए और उसको पहचानने के लिए, और वो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं कि अगर आप एक कोचिंग के बताए हुए फीडबैक्स के अनुसार ढल करके जाएंगे तो वो डेफिनेटली उनको समझ में आ जाएगा। तो मेरा ये मानना था पहले और सेकेंड अटैम्प्ट के जो डिफरेंस थे उसके अनुसार कि पहले वाले में मैंने 12 या 14 मॉक्स दिए थे शायद, तो वो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं ट्यून्ड हो गया था कि मैं उसी फ्लो में एकदम रोबोट की तरह बस बोलता जा रहा था। तो वो एक चीज़ प्रॉबेबली मेरे अगेंस्ट थोड़ी बैकफायर भी कर गई थी, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने नहीं आए थे जितने मॉक्स में लोग देते थे या एक्सपेक्ट करते थे। तो सेकेंड अटैम्प्ट मैंने क्या किया इस बार कि मैंने सिर्फ 2 ही मॉक्स दिए थे और मैंने फोकस किया था कि मेरा कंटेंट अच्छा हो, मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार रहे और मेरा जो फ्लो हो वो नेचुरल हो। कि जैसे कई बार सिखाते हैं इंटरव्यूज़ में कि हाथ ऐसे रखें या आंखें एकदम आई कांटेक्ट रखें या इधर देखें उधर देखें, मैं पूरी तरह से नेचुरल होकर के गया था। तो मेरा हैंड मूवमेंट भी स्लाइट हैंड मूवमेंट इस तरह से या बताते टाइम थोड़ा बहुत हाथ मूवमेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत हो रहा था। और मेरे क्वेश्चंस में जो आंसर मैं दे रहा था, मेरे पैनल में क्या था कि चेयरमैन सर सामने बैठे थे और बाकी मेंबर्स ऑलमोस्ट 90 डिग्री बैठे थे, 2 इधर और 2 इधर, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद एवरीवन व्हाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन। तो मैं जब इधर देख रहा था लेफ्ट में तो मैं सिर्फ उन्हीं दोनों के साथ आई कॉन्टैक्ट रखा था, जब राइट में देख रहा था तो सिर्फ उन्हीं दोनों के साथ आई कॉन्टैक्ट रखा था, और जब सामने देख रहा था चेयरमैन सर की तरफ तब सिर्फ उन्हीं के साथ आई कॉन्टैक्ट था। तो जो भी मिथ्स हैं कई तरह के वो मैं कहना चाहूँगा कि आप उनको सुन लें, बट आप करें वही जो आपको नेचुरली आ रहा हो। अगर आप नेचुरली प्रोफिशिएंट हैं कि आप चारों तरफ देख करके भी बिना भटके आंसर दे सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैट, बट मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए मैं सिर्फ उतना ही डिवियंस लेता था जितना मैं अफोर्ड कर सकूं बिना अपने आंसर की क्वालिटी और अपने कॉन्फिडेंस को गिराए। तो मेन चीज़ मेरी ये कहनी थी मॉक्स के बारे में कि ट्राई टू फोकस ऑन लेस अमाउंट ऑफ मॉक्स, ट्राई टू मेंटेन द ओरिजिनैलिटी ऑफ योर पर्सनैलिटी। यही दो चीज़ें वो लोग देखना चाह रहे हैं और इन्हीं पे आपको फोकस करना है। फीडबैक बहुत प्रकार के आपको मिलेंगे, कोई आपको बोलेगा कि आप बहुत ही अच्छे हैं कि एकदम आपका तो होना ही है, कोई बोलेगा कि आप बहुत ही ख़राब हैं, आप यहाँ तक भी कैसे पहुँच गए। तो इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि अंदर की आवाज़ आपकी क्या कह रही है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या आप उसके साथ जस्टिस कर पाए, उसमें आप और क्या ऐड कर सकते थे, क्या कोई यूनिक पॉइंट था जो आप ऐड कर सकते थे। जैसे कि मेरे नाम के बारे में ये हर कोई बता के आता है कि ये सूरज के पर्यायवाची हैं और सूरज के 5 पर्यायवाची गिना देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि विष्णु जी ही आदित्य हैं और आदित्य ही अदिति के पुत्र हैं। तो इस तरह के अगर यूनिक पॉइंट्स आपको पता हैं तो आप देखिए कि क्या आप वो इंक्लूड कर पा रहे हैं अपने आंसर्स में या नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं, आप अपने आंसर सेटिस्फाइड हैं, तो फिर फीडबैक इतना मैटर नहीं करता, टेक इट अगेन विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसके बाद फिर आता है असली इंटरव्यू का माहौल। तो असली इंटरव्यू का माहौल कंपैरेटिवली बहुत कॉर्डियल होता है, वहाँ पर कोई आपको ग्रिल करने का प्रयास नहीं करेगा और ना ही कोई आपके आंसर के अनुसार अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करेगा।
मैंने तो दोनों इंटरव्यू में यही देखा कि मैं कुछ भी बोल लूँ तो लोग ना ही स्माइल कर रहे थे ना ही फ्राउन कर रहे थे। तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपने जो बोला वो उनको कन्विंस किया या नहीं कन्विंस किया, या वो एकदम ही अपोजिट बोल गए आप। तो वहाँ पर आपको अपना कूल मेंटेन करना, उनसे फीडबैक ना लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उनके एक्सप्रेशन से फीडबैक लेने की कोशिश ना करें। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें और माने कि जो आप बोल रहे हैं वही सही है, और जो नहीं आता है उसमें हम्बली बोल दें कि सॉरी सर आई हैव टू रीड मोर अबाउट इट, या फिर सॉरी सर आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, जो भी आपको उस क्वेश्चन के मुताबिक लग रहा हो। तो ये मेरा ब्रॉड इंटरव्यू का ओवरव्यू था, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। अनसर्टेनिटी उसमें रहेगी, उस अनसर्टेनिटी को आप कैसे हैंडल करते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी का असली टेस्ट भी है, और वही टेस्ट के लिए आपको वहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो अनसर्टेनिटी से घबराना नहीं है, खुद पर भरोसा रखना है और कोशिश करना है कि उस अनसर्टेनिटी को आप ढंग से हैंडल कर पाएं। जी तो अब इंटरव्यू के बाद मैं बेसिकली कुछ पॉइंटर्स और कवर करना चाहूँगा, जैसे कि पहला एक मिथ है कि सोशल मीडिया पे रहें ना रहें कट ऑफ हो जाएं। तो मेरा इन पे बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ओपिनियन नहीं था। मेरा ये मानना था कि एक बहुत ही मोनोटोनस जर्नी है, इसको आपको बहुत लंबी जर्नी को काटना है तो आप सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं काट सकते। तो मैं तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करता था, खेलता भी था, फिर मैं सोशल मीडिया पे भी था, मेरा हॉबी था डायनासोर्स के बारे में पढ़ना, मैं वो भी पढ़ता था। तो मैं अपने प्रिपरेशन को पूरी होलिस्टिकली लेकर के चलता था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पे फोकस नहीं करता था। तो मैं इसमें सजेस्ट नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि हर एक इंसान अपना इंडिविजुअलिटी होती है उसकी। बट मैंने जो किया वो मैं बता सकता हूँ कि सोशल मीडिया से कट ऑफ होना ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिना उसके एग्जाम ही ना निकले। फिर एक मिथ होता है कि दिल्ली जाना है कि नहीं, कोचिंग करना है कि नहीं। तो मैं खुद ना तो दिल्ली गया था ना मैंने कोई फुल टाइम कोचिंग ज्वाइन की थी। तो आपको बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये मेरा रास्ता मैं चूज़ कर रहा हूँ और इसके थ्रू ही मेरे को निकालना है एग्ज़ाम। मेरे सीनियर्स ने मेरे को सजेस्ट किया था कि कोचिंग जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली जाना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत बेस है और आपके पास थोड़ा बहुत भी कोई गाइडेंस का सोर्स है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, जैसे भी किसी के वीडियोज़ के थ्रू हो या किसी इंसान को पर्सनली जानते हो, तो उन पे ट्रस्ट करते हुए, उनके फीडबैक पे ट्रस्ट करते हुए आप कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन बिना दिल्ली जाए या बिना कोचिंग किए भी। और एक पॉइंट आता है कि हाईज एंड लोज का, कि कई बार आपके प्रिपरेशन जर्नी में हाईज आएंगे, कई लोज आएंगे। कभी आपको लगेगा कि प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, मेरे से नहीं हो पा रहा है, या कभी लगेगा कि एकदम हो ही जाएगा मेरा। तो इन दोनों ही फेज में आपको ध्यान देना है कि यूपीएससी में जो यू है वो अनसर्टेनिटी का ही है। तो कभी भी किसी भी चीज़ से आपको ना डरना है ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है। जो लोज हैं आपके, वो उसमें डेफिनेटली आपके पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, जिनका भी सपोर्ट है वो पूरा पूरा मिलता है और उसी से पार पाना संभव हो पाता है। मेरी खुद का एक्सपीरियंस था कि जब मेरा पहला प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स का जो सपोर्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, दोबारा बाउंस बैक करके अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करके और उन पर काम करने के लिए। तो सिमिलर जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है उस पर जरूर रिलाई करें, उससे दूर मत जाएं। और इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्राई टू स्टे फोकस्ड, बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू बैलेंस हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और इन द एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक DKT। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे थे खासकर अपने ऑप्शनल के लिए, टॉपर्स की स्ट्रेटजी हो या फिर टॉपर्स ने कौन सी बुक्स इस्तेमाल की हैं। तो ऑप्शनल का तो खैर अलग वीडियो होगा, बट DKT का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है मेरी इस जर्नी में भी। और बस यही कहते हुए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा DKT को भी और आप सबको भी जो भी मेरे ये बातें सुन रहे थे। थैंक यू एंड जय हिंद।